नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ पीटी टेस्ट चल रहा है। लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और ये एक्सपीरियंस की वीडियो का 33वां पार्ट है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले 32 पार्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। आज है 19 अगस्त, और हमारे भाई जो अभी हाल ही में एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, और निकलते ही उन्होंने आपको रिपोर्ट दिया है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। आज ही 19 अगस्त है, 19 अगस्त का अपडेट आप लोगों के सर लिए आ चुका है। इससे पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, चैनल पर विजिट करना है, हर एक वीडियो आप लोगों को देखना है, क्योंकि हर एक बंदा का एक्सपीरियंस अपना कुछ अलग होता है। वो आप लोगों से क्या कहता है, हर एक वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। सो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट कीजिए, सारी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आरपीएफ के जितने भी बंदे हैं, उनके लिए मैंने जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है नीचे ही, आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से। तो उस पर आप लोगों को जुड़ जाना है, क्योंकि जितने भी आगे अपडेट होंगी वो आरपीएफ ट्रेड टेस्ट की उसी चैनल पर होंगी। इस चैनल, ये हमारा एकेडमिक चैनल है, इस पर हमारी एकेडमिक क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं, वो प्रभावित हो रही हैं आरपीएफ की वजह से। इस कारण से मैंने सभी जितने भी आरपीएफ के बच्चे हैं नीचे जो चैनल है उस पर ऐड करने का जो है निर्णय लिया है। साथ ही साथ आप लोगों का जब तक मैं अपडेट करता रहूँगा, जब तक कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तो आप लोगों को उसको भी पूरा अंत तक देखना है। और ये 19 अगस्त का हमारा भाई जो सेंटर से बाहर निकला है, इसका एक्सपीरियंस आप लोगों को पूरा अंत तक और पूरा ध्यान से सुनना है। और यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग जो है व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो, या किसी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस जो है मैं यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। साथ ही हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति का क्वेश्चन का जो भी डाउट है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना, आगे से प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एक लाइक ज़रूर दबाना, जो हम लोगों को थोड़ा सा हौसला देता है। ओके, हाँ सर, नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर, आपका जो है आज ट्रेड टेस्ट था सर, सर। हाँ सर, आज मेरा ट्रेड टेस्ट था, 20 पर से था मेरा। किस दिनांक में सर, मतलब डेट बताइए सर, किस डेट में था? 19 अगस्त 19 अगस्त 2019 को था। 19 अगस्त को था ना सर आपका, मतलब आज ही था। हाँ जी सर, ये सबको सर इसीलिए पूछना पड़ता है कि कुछ बच्चे क्या यकीन नहीं करते हैं कि सर पता नहीं कब का वीडियो डाल दिया, इस कारण से पूछना पड़ता है सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ सर, तो मैं आपसे जो है एक बार, जैसे कि कुछ बच्चों के क्या क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको क्या मैं नोट कर लेता हूँ, जो कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो मैं इसी प्रकार से सॉल्व आउट करते हूँ। अब जैसे भी आप जो है, आपका टेट टेस्ट आज हो गया, तो आप अपना जो है एक एक एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो बीच बीच में सर थोड़े से कुछ बच्चों के क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो उनका भी सर आपको जवाब देना होगा थोड़ा सा। जरूर सर, जरूर देंगे। और सर, आपने जो है मेरी एक्सपीरियंस की वीडियो देखी थी क्या पहले? सर मैं तो रोज देखता था आपके एक्सपीरियंस की वीडियो, सही, बहुत मोटिवेट हुआ था मैं। बच्चे बताते थे कैसे हाँ सर, हमारा टेस्ट टेस्ट हुआ गया, वैसे ही हुआ सब कुछ, हाँ कुछ सर, अलग नहीं था। मतलब सर आपने वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर, हेल्पफुल रहा, मुझे पहले ही पता चल गया था क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, या क्या कुछ होगा, शुरू में जाएंगे कहाँ पर, बंदे बैठाएंगे ये सब कुछ हमें आपको भी। हमारे चैनल के माध्यम से हाँ, पहले ही पता लग गया। आपका चैनल से पता चला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो है 29 तारीख है, 29 तारीख का एक्सपीरियंस आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए सर। क्या क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ सर, बताइएगा सर, बिल्कुल शुरुआत से, सर सुबह से बताना 19 तारीख बिल्कुल। को सुबह। हाँ सर, सर उसे बता रहा हूँ सर, मैं आपकी वीडियो में देखा था मैंने, हाँ इसी प्रकार से बताइएगा सर, हर बार जो बताते हैं बच्चे। सरों में मैंने जब एंट्री की ना हाँ सर, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं सरों में कितने बजे नंबर सर, मिलने के लिए, कितने बजे एंट्री की सर आपने? सर मैं 5 बजे लाइन में लगा था, बच्चे बहुत पहले से आ रहे थे वहां पर, 4 बजे ही, 4:30, बहुत पहले उससे आ जाते हैं, तो हाँ उन्होंने लाइन नहीं बनवाई, वैसे ही भीड़ की भीड़ हो गई। जो बच्चे लाइन में थे और उस साइड दीवार की तरफ बैठे थे ना, हाँ उनको पहले लिया जा रहा था, और इधर थे ना वहां पर बस आती जाती रहती है, हाँ तो उनकी पिटाई भी हुई। पिटाई भी हुई। हाँ, वहां पर शॉट भी मार रहे थे आरसीएफ वाले। अच्छा, हाँ, वे गेट के सामने आ गए थे सभी बच्चे मिलकर, तब थोड़ा लाइन सावधानी से। हाँ तो सर थोड़ा बता दीजिए, मतलब आगे से कोई बच्चा ना पिट जाए, मतलब क्या, किस कारण से पिटे हाँ वो, मतलब। सर, वो बच्चे एकदम से जैसे कि भीड़ बना के एक साथ गुट बना के गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो एक एक को बुला रहे थे सभी को, और हाँ डॉक्यूमेंट चेक करके एंट्री कर रहे थे। जैसे हाँ ही वो बच्चे एक साथ जाने की कोशिश की, तो थोड़ी देर तो उन्होंने सहन किया, उसके बाद उन्होंने मारे, 2-3 बच्चों के लगी भी, पर ज्यादा नहीं लगी, जैसे कि बैक पे लगी या फिर पैर पे, ऐसे ही। हाँ, हाँ सर, और एंट्री करने के बाद सर हमारे बैच बने 20 20 20 बच्चों के। 20 20 बच्चों के बैच बने सर। एंट्री होते ही सर हाँ आपका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हुआ होगा सर आज?
ना ना ना, एंट्री और इन पहले डॉक्यूमेंट मेरे एडमिट कार्ड और आईडी चेक हुई, एंट्री होने पर वहीं पर बैच बना दिया गया, वहीं पर 20-20 बच्चों का बैच बना दिया। हाँ, बैच बनाने के बाद जब अंदर लेके गए, वेरिफिकेशन हुआ हमारा, फिंगरप्रिंट मैच करवाए, और उसके बाद जैसे ही बैच बना तो लाइन में लेके एक एक को, जैसे कि हमारा फिजिकल डेट याद रखनी है किस तारीख को हुआ था फिजिकल, और कौन सी तारीख को हमारा फिजिकल था और कौन सा बैच नंबर में हम दौड़े थे। ये दो मेन चीज है सर, ये भी अपन को सर ये भी याद रखना है सर। क्या सर? ये सब कुछ याद रखना है सर, कौन सी डेट में था सर, थोड़ा रुक जाइए। ये दोनों चीज याद रखनी है जिसका बच्चे का यहाँ पर टेस्ट होगा सर, सर 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 है वो पहले ही पूछ के जाए सर। सर हेलो सर, जहाँ आप खड़े हो थोड़ा 2 मिनट के लिए सर स्थिर खड़े हो जाइए, क्योंकि सर आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर बताइएगा, उसके बाद क्या हुआ सर? हेलो सर, फिर इसके बाद ये जो दो चीज याद करने के लिए कहा गया अपने हाथ से लिख लो। हाँ, फिर जैसे हाथ से लिखने के बाद हमें अंदर ले जाया गया और वहां से ही बोला गया सर, ये सब कुछ उन्होंने बताया होगा ना, किस डेट में आपका फिजिकल था और कैसे कैसे, ये सब कुछ उन्होंने बताया था कि नहीं आपको? ये उन्होंने बताया था कि आप अपने हाथ से लिख लो किस तारीख को फिजिकल था और किस तारीख को आपका जो दौड़ हुई थी ना उसमें कौन सा बैच नंबर था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका कौन सा है, हमें याद रखना था ये चीज। फोन ले लो घर पर, फोन करके अपने दोस्त को फोन करके पता कर सकते हो। पर हाँ मतलब, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया सर, मतलब ये आपने नई चीज बता दी सर, क्योंकि बच्चों को सर अब ये बताओ सर, कुछ बच्चों को कैसे पता लगती, सही है कि नहीं? हाँ, ये पता नहीं चलता सर, और मेरे साथ ही थे कम से कम 4-5 ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं था और वो थोड़ी टेंशन में आ गए थे और नर्वस हो गए थे। हाँ, तो इसीलिए सर, फिर जैसे एंट्री होने के बाद हम अंदर गए तो सर उसका कोई समाधान, सर 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 उसका कोई समाधान निकला, 4 बच्चों को पता नहीं था, फिर उनका क्या हुआ सर? सर वो ये दिक्कत तब आएगी जब हमारा टेस्ट हो जाएगा, हमें वो चीज मालूम नहीं होगा। हाँ, मैं तो पहले ही कंफर्म कर रहे थे कि आपको पता भी है या नहीं। हाँ, जैसे ही उन्होंने बताया हमें तो कुछ बच्चे को नहीं पता था, वो टेंशन में आ गए कि हमें नहीं पता है सर हम कहाँ से लाएंगे ये वो। हाँ, नर्वस हो गए मतलब। हाँ, तो उनका अच्छा नहीं हुआ टेस्ट भी, क्योंकि वो जैसे ही उनके सामने गए थोड़े दिमाग में तो वही चल रहा था। तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे अपने घर से पता करके जाएं ये चीज। और सर एक मेन चीज है, जो 10 बंदे हम 4 ऑफिसर बैठे थे हमारे सामने सर, मतलब कितने कितने बच्चों का ग्रुप अंदर गया था सर? 10 बच्चों का गया था सर, हमारा एक 20 बच्चों का ग्रुप था ना, उसमें 10 पहले गए 10 बाद भी गए। सर आपका ट्रेड क्या था सर? ट्रेड क्या था सर आपका? मैं स्वीपर था सर। स्वीपर से थे ना सर? हाँ 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 बताइए, उसके बाद क्या हुआ सर? एक सर फिर मैं तो हरियाणा से था, तो थोड़ी लैंग्वेज भी अलग थी, तो वहाँ पर उनके सामने गया सर के सामने, 4 सर बैठे थे हमारे ऑफिसर हमारे सामने, उनके अब सामान रखा था। क्या क्या सामान रखा था सर? जो ये कपूर की गोली होती है ये था, साबुन सर, एक 3 बोतल थी, एक में पानी था और एसिड भी था शायद एक में, और एक में वे तो फिनाइल। हाँ सर, ये सर अब ये सब चीजें सर देखो, कल क्या है, कल वाले जो स्वीपर वाले थे उनके सामने कपूर की गोली नहीं थी, आज उन्होंने कपूर की, आज नहीं थी सर कपूर की गोली, कल वाले मैंने वीडियो देखी थी कंप्लीट दोनों, उन्होंने नहीं बताया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ वो भी बदल रहे हैं, तो अपन भी बच्चों को अलर्ट करते जा रहे हैं। बच्चे कल वो बता रहे थे कि फिट करी थी वो, फिट करी सर, वो फिट करी नहीं थी आज, वहाँ पर वो थी पर वो रूम प्रेशर थी। रूम प्रेशर थी? हाँ जी। हाँ वो कैसे पता लगा सर आपको ये रूम प्रेशर है? सर वो जो दो बंदे सिलेक्ट हुए उन्होंने बताया था, शायद उन्होंने सही बताया था, अभी वो सिलेक्ट हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, उन्होंने ये एक तो ये चीज बताई थी फिट, और सर एक जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये गोली क्या काम आती है, किस चीज की गोली है, वो गोली थी कपूर की, तो सभी बच्चों ने सेम जवाब दे दिया कि सर ये तो काम आती है, इसको टॉयलेट में रखा जाता है, इसकी स्मेल ऐसी ऐसे। 10 के 10 बच्चों ने सेम आंसर दे दिया, मैंने भी यही दे दिया, मेरी गलती थी। हाँ गई भाई।
सर ये भी थोड़ी देर पहले गई सर, सर ये मैंने गलती की, मैंने भी उन जैसे बता दिया सर, उनके आगे अपने अलग प्रभाव डालना है, जैसे कि हमें क्लियर करना हमारा ट्रेड टेस्ट, तो सभी से हटके बताएं और अच्छा बताएं सर। मतलब सर आपका सर नहीं हुआ, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ सर? हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। सर लेकिन कोई बात नहीं सर, दुखी होने की कोई बात नहीं, जिंदगी हमें बहुत नहीं सारे नहीं मौके सर देगी सर, हताश नहीं होना है। इसी कारण तो सर मैं बच्चों से बात करता हूँ, भले ही वो पास हो जाएं, क्वालिफाई हो जाएं, डिसक्वालीफाई हो जाएं, लेकिन उनको होपलेस नहीं होने देते सर। मैं भी एक बात जानता हूँ कि यदि अपन घर से बाहर हैं, आप तो ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मतलब अपना होशवास खो बैठते हैं, मतलब अब क्या होगा, समझ रहे हो आप? हाँ सर अभी तो भरोसा नहीं हूँ, घर जा रहा हूँ, इसी कारण मैं बच्चों टेंशन तो है, घर वाले कहेंगे कुछ क्या कहेंगे, घर पर जाकर देखेंगे। इसी कारण मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ सर, आप भी परेशान ना हो सर सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। सर और भी कुछ है, थोड़ा अपने बच्चों, अपने भाई लोगों को सर कुछ मोटिवेट कीजिए, कुछ बताइएगा जिससे थोड़ा उनका कुछ हाँ नया सर हो सके। जैसे वो कुछ भी पूछे ना सर, हमें अपना बेस्ट देना है, जैसे कि जिस बंदे को इंग्लिश आती है ना वो हाँ इंग्लिश में बताएं, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, मतलब अच्छी तरह से उनको समझाए, उनको ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा ज्वाइन होना चाहता है और इसमें लगन है, क्योंकि वो उस बंदे को चाहते हैं जो सबसे बेस्ट होगा, जैसे कि बोलने में भी, ये नहीं कि आप बता दिए आपका काम चल जाएगा, नहीं नहीं वो कैसे बंदा बता रहा है उसको हर एक चीज देखते हैं सर, इसीलिए दो बंदा सिलेक्शन हुआ मेरे ग्रुप में, तो आपके ग्रुप मुझे तो में दो लगता लोगों है। का सिलेक्शन हुआ सर। और जहाँ पर गलती थी मुझे महसूस हुई कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती की, सर उसके बाद जैसे आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, उसके बाद क्या किया सर? हाँ सर अभी ट्रेड टेस्ट होने के बाद वो दोनों बंदे वहां पर रुक गए थे और हाँ हमारे सभी बच्चे को 18 बच्चे बचे थे, 18 को एक साथ बैग उठा के भेज दिया गया था अपने घर पर, सर आप मतलब आओ सर यहाँ जो पे। कुछ भी हो रहा है हाल की हाल हो रहा है, मतलब हेलो सर जो कुछ भी हो रहा है हाल की हाल हो रहा है ना, मतलब हेलो हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है हाल की हाल हो रहा है ना वहाँ पर। ठीक है सर, हेलो हाँ सर हेलो, आवाज नहीं आ रही थी आपके बीच में, आ रही है सर, आप ये बताइए होल्ड पर तो नहीं रख दिया आपने? ना 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 हाँ सर ये बताइए, मैं ये बोलना चाह रहा था सर जो कुछ भी हो रहा है मतलब हाल की हाल, जैसे कि यदि सिलेक्ट हो रहे हो तो उनको वहीं पर रोक ले रहे हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको बाहर निकाल दे रहे हैं हाल की हाल ही। हाँ अपना बैग उठाओ, बैग लाइन में लगवा देते हैं, वहां से अपना बैग लो और फिर बाहर जाओ ऐसा सर। सर। जो एक खास चीज और है वहां पर टाइम लगता है जिस बच्चे का, क्योंकि हाँ सभी बच्चे आने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो हाँ पहले ही अपना बच्चा सामान है वो लेके जाए, जैसे बिस्कुट और कुछ, मतलब बाद में वहां पर भूख लगे तो ये नहीं कि हाँ खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है सर, कोई कैंटीन वगैरह आसपास? ना 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 अंदर कुछ नहीं है, अच्छा सर कैंटीन तो है पर वहां पर सर बहुत वो में उन सरों के लिए ही है। हाँ बुनी लोगों के लिए है। हाँ सर आप कुछ और कहना चाहोगे अपने भाइयों से सर? सर यही कहना चाहूंगा सभी भाइयों को, ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देना, अगर जो सबसे कम जो अपने मन में ये सोचता है ना कि मेरे से नहीं होगा टेस्ट सर, वो भी कर देगा, कॉन्फिडेंस रखो बस हाँ सर बिल्कुल सर अपना बिल्कुल, बेस्ट देने की उनके सामने। जी हाँ ये आपका बिल्कुल सही सही कहना है सर आपका। जनाब सर आपने जो है एक्सपीरियंस वीडियो से भी आपको हेल्पफुल रहा, ये भी आप बिल्कुल सही है। सर आपके एक्सपीरियंस वीडियो सबसे अच्छी रही, मैंने तब तब पता चला था 16 तारीख को शायद मैं आपकी वीडियो देखना शुरू किया था, मैंने सर्च किया आरपीएफ पेपर के लिए तो वहां पर नहीं मिला, फोर ट्रेड के लिए मिला, मैंने वहां से हर एक चीज को चूज किया, कल मैंने वहां पर एक एक दिन पहले 18 से शुरू हुआ स्वीपर का सर, 25 तारीख से चलेगा, तो हाँ हाँ 18 से, तो मैंने कल शाम को ही आपकी वीडियो देखी तो मुझे थोड़ा दिल में शांति मिली, जैसे हाँ ये कुछ होगा ज्यादा कुछ नहीं है, बच्चे बता रहे थे नॉर्मल ही है बस, ऐसे नॉर्मल ही था सर, तो नॉर्मल ही था बस, बिल्कुल, मतलब जो कुछ बताया वैसा ही रहा ना सब कुछ। हाँ वैसे ही था सेम वैसे ही था। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना जो कीमती समय अपने भाइयों के लिए, सीधा एग्जाम सेंटर के बाहर ही हो ना अभी आप? अभी तो सर मैं घर पर आ गया एग्जाम से, मैं बाहर 10 बजे निकला था और मेरी ट्रेन थी दिल्ली से, मैं महेंद्रगढ़ आया हूँ हाँ सर हरियाणा में, हाँ हाँ तो अभी मैं महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से घर जाऊंगा। सर, फिर भी आपने जो है अपना अनुभव शेयर किया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार प्रकट करता जी हूँ सर सर। थैंक और यू हमारी सर, एम आपका सी जी भी अकेडमी की ओर से आपको जो है आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आसानी से पढ़िएगा सर, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अपना सर।
जी सर, जी सर। बिल्कुल सर, हताश नहीं होना है, छोटी छोटी हारों से हारना नहीं है, हार हारना नहीं है सर, आगे के लिए अपन को बढ़ना है, ऐसा ट्राई छोटी अगेन। ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, एक इंग्लिश में कहावत है, प्रयास करो प्रयास करो जब तक अपन सफल ना हो जाए, तो बिल्कुल अपन को यही करना है ना सर। ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। ओके।